हंतारम नमो सीतारम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम। बोलो शासन में भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 से चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। मुनि श्री अजीशाह जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि शंख की जय हो। विपरीत स्वप्न जो देखा अपने ओर बढ़ते शिल्पी के चरण देख, उसकी ओर बढ़ते हुए शिल्पी के चरण देख, कुंभ की ओर से स्वयं अबा ने कहा, कुंभ की ओर से स्वयं अबा ने कहा, हे शिल्पी महोदय। शिल्पी महोदय यानी कुंभकार महोदय, हे शिल्पी महोदय, प्रायः स्वप्न निष्फल ही होते हैं। प्रायः आपने जो स्वप्न देखा तो प्रायः कर स्वप्न कैसे होते हैं, निष्फल ही होते हैं। इस पर अधिक विश्वास हानिकारक है। स्वप्न को स्वप्न ही समझो, ज्यादा उस पर भरोसा मत करो। कई लोग एक प्राय कर देखने में आता है, अच्छा स्वप्न दिख जाए तो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है, आज तो मुझे ऐसा दिख गया, और अगर बुरा दिख जाए तो सुबह से डरा डरा से लगते, आज तो सुबह से रात्रि में अच्छा स्वप्न दिखाई नहीं दिया, स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया है, ऐसा हो गया है मेरा, ये हो गया है, वह बहुत डरा डरा सा रहता है, सोचता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, संकित रहता है, संशय से भरा होता है। वही है, प्रायः स्वप्न निष्फल ही होते हैं, इस पर अधिक विश्वास हानि कारक है। कैसे स्वप्न की व्याख्या हो रही है, स्वा यानी अपना, स्वप्न किसे कहते हैं, मुखमाटी में परिभाषा मिल रही है आपको, स्वा यानी अपना, पायाने पालन संरक्षण, और ना यानी नहीं, अर्थात क्या हो गया, जो निजी भावों का रक्षण नहीं कर सकता, जो अपने निजी भावों का रक्षण नहीं कर सकता, वह औरों का क्या सहयोगी देगा, सहयोग देगा, जो अपने आप का स्वयं संरक्षण नहीं कर सकता, क्या वो औरों का सहयोग देगा। अतीत से जुड़ा, मीत से मड़ा, बहु उलझनों में उलझा मन ही स्वप्न माना जाता है, कई स्वप्न नाम की कोई दूसरी चीज नहीं है, किसे कहते हैं स्वप्न। तो वहां आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि अतीत से जुड़ा, जो आपका व्यतीत हो चुका है उसका नाम अतीत है, उससे जुड़ी हुई कोई घटना है जो प्रसंग है। मीत से मुड़ा यानी अपने प्रेम भाव आदि से मुड़ा हो, या किसी अपने वैमनस्य से जुड़ा हो, ऐसा कोई है मुड़ा। बहु उलझनों में उलझा मन ही, जो सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, जो आदत में आता रहता है, वही तो संस्कार किस में आता है, स्वप्न में दिखाई देता है, ऐसा है। ऐसे ही बहु उलझनों में उलझा मन ही स्वप्न माना जाता है। आप जो करोगे वही रात्रि में दिखेगा। अगर रोज अच्छे से तुम पूजा स्वाध्याय पाठ करो, गुरु जी की स्तुति आराधना करो, भगवान की स्तुति आदि करो, तीर्थ वंदना आदि करो, और अच्छे विचार करो, तो आपको सपने में भी क्या दिखाई देता है, मैं शिखर जी की यात्रा कर रहा हूँ, मैं तीर्थ वंदना कर रहा हूँ, मैं गुरु जी के दर्शन कर रहा हूँ, मैंने आचार्य जी को आहार दिया,
दे रहा हूँ। कई लोग आकर के कहते महाराज रात्रि में आज हमने आचार्य जी को स्वप्न में आहार दिए, कहीं हमें दोष तो नहीं लग गया। मैं कहीं दोष नहीं लगा, ये तो तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय था। कहीं स्वप्न रात्रि में दोष तो लगे कि रात्रि में हमने आहार कराया आचार्य श्री को। हम कहीं जब ये बताओ जब तुम स्वप्न देख रहे थे तो स्वप्न में रात दिख रही थी कि दिन? नहीं, उस समय तो हमें स्वप्न में तो दिन दिख रहा था। जब तुम्हें स्वप्न में दिन दिख रहा है तो रात्रि भोजन का दोष कैसे लगेगा, है ना? बस ये है कि हमारा किया हुआ दिन में किए हुए अच्छे संस्कार, अच्छा भाव, वो आपको दिन में भी क्या होता है वो संस्कार रात्रि में मैं आपको सपने के रूप में साकार होकर के दिखाई देता है। आपने अच्छे से भगवान की भक्ति पूजन आराधना की है और अच्छे देख दिखा रहे हो कि मैं समुद्र में बैठा हूँ, भगवान के समुद्र में बैठ करके भगवान की पूजन कर रहा हूँ। तो पूजन कब की, रात में की दिन में? बोले कि दिन में, समुद्र में जब आप पूजन कर रहे थे दिन दिख रहा था कि रात? बोले कि दिन दिख रहा था। तो फिर रात्रि में पूजन कैसे होगी? रात्रि में तो वो तुम्हारा जो पुरानी झील है वो पिक्चर है, दिखाई दे रही है कि मैंने आज ऐसा किया हुआ, इसलिए रात्रि पूजन का तुम्हें दोष नहीं है, इसलिए अच्छे से करो, ऐसे स्वप्न देखने में बाधा नहीं है। लेकिन कभी कभार जो पूजन पाठ नहीं करते हैं, दिन भर दुकान चलाते रहे, तो उनसे पूछो, वे सोते हुए भी दुकान चलाते रहते हैं। एक बार आपको सुनाया था हमने कि सोते सोते उसने कहा मूल भाव कर रहा है, और मूल भाव कपड़ा बेचने वाला था। अब कपड़ा बेचने वाला उसने कहा मूल भाव चल रहा है, बोले कि नहीं इतने को, बोले नहीं इतने को, आखिर बात पट गई, चलो अब कोई नहीं माना तो ले लो। और उन्हें लाओ जो चतरा हुए थे वही चतरा फाड़ लो, जी लो बताओ इस स्वप्न विचारो एक नौ चतरा और बर्बाद। पत्नी कहती है क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे, कपड़ा बेच रहे। कपड़ा नहीं बेच रहे, घर सो रहे हो। तो वो अपने बने बनाओ जो 100-200 रुपया को चदरा और खराब कर रहे हो। बोले कम से कम सोते समय तो दुकान छोड़ दो, क्या करें अब हम, मन उतना ही लगो रहता है। मन में जो होगा रात्रि में वही दिखाई देता है, इसलिए कहा अच्छे भावों को जगाओ। मात्र अगर तुम दिन भर संकलेश परिणाम से युक्त होगे तो रात्रि में भी संकलेश परिणाम ही दिखाई देगा। कोई व्यक्ति ज्यादातर किसी को संकलेश परिणाम से युक्त होता है, आत्रोध ध्यान करते हैं तो रात्रि में भी सोते समय भी उसके अंदर वो आत्रोध ध्यान की प्रणति चलती रहती है। मारने की आएंगे, कोई को उसने पटक दिया, उसने उधर पटक दिया, ऐसे ही संस्कार दिखाई देते हैं। इसलिए स्वप्न अच्छा है। आज ये स्वप्न की परिभाषा स्वयानी अपना, पायानी पालन रक्षण, है ना, संरक्षण, और नायानी नहीं जो निज भाव का रक्षण नहीं कर सकता औरों का क्या सहयोग देगा, वह कोई किसी का सहयोग नहीं देगा। अर्थात अति से जड़ा मेज से लड़ा बहुत दिनों में उलझा मन ही स्वप्न माना जाता है, यही स्वप्न है और कोई दूसरी चीज नहीं है। जागृति के सूत्र छूटते हैं स्वप्न दशा में। जो जागृति के सूत्र, जो जागरण के अपेक्षा जो समय जो आप सूत्र मिलते हैं वे स्वप्न दशा में छूटते, स्वप्न दशा में आत्म संस्कार संभव नहीं तो सिद्ध मंत्र भी मृतक बनता है। वहां बड़े बड़े मंत्र भी मृतक बन जाते, उस समय कोई काम नहीं करता। यो आवा की आवाज सुनता सुनता अब वो शिल्पी आवा की ओर निकट आ गया, उसकी आवाज सुनते सुनते उस आवा की ओर निकट आ गया, पर कहीं सुनी जा रही है, कहां सुनी जा रही है, कुंभ की चीख,
कहां सुनी जा रही है, पर कहां सुनी जा रही है कुंभ की चीख, कहां मांगी जा रही है कुंभकार से भीख, ये मुझे जीवन दे दो, ऐसा नहीं, ना ही कुंभ की यातना, ना ही कुंभ की याचना, मात्र वे वहां तब कहां है प्यास से पीड़ित प्राण, क्योंकि अग्नि में पड़ा हुआ है, कितनी प्यास कितनी गर्मी, ऐसे पीड़ित है, वह शोक कहां, वह रुदन कहां, वह रोग कहां, वह बदन कहां, और वह आपका सदन कहां, जो इन कानों ने आंखों ने और हाथों ने सुने देखे छुए थे स्वप्न में। यानी कुंभकार ने स्वप्न में क्या देखा कि एक पूरा का पूरा वो चीख रहा है, तड़प रहा है, कुंभ की दशा उसने ऐसे स्वप्न में देखी, तो वो जाकर के देख रहा है, चिंतन कर रहा है कहाँ है वो दशा, यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सुने देखे हुए सुने हुए छुए स्वप्न में कहाँ, अक्षर सा स्वप्न असत्य निकला, जो उसने देखा था वो कैसे निकला, असत्य निकला, स्वप्न का घातक फल तला, जो ऐसा पीड़ादायक जो फल था वो तला। कुंभ की कुशलता सो अपनी कुशलता, जो कहता हुआ कुंभकार सौल्लास स्वागत करता है आवा का, अच्छे उत्साह के साथ बढ़िया उस अभा का स्वागत करता है, और रेतल राख की राशि को जो अभा की छाती पर थी ऊपर बिछाई गई थी, जो छाती पर थी, हाथों में फावड़ा ले हटाता है, जो जो राख हटती जाती है त्यों तो कुंभकार का कुतूहल बढ़ता जा रहा है कि कब दिखेगी दिखे हुआ कुशल कुंभ। यानी जैसे जैसे वह अभा की राख हटा रहा है, हटाते हटाते उसके मन में बढ़ती जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, कब दिखेगा कुंभ, कब दिखेगा, लो आप दिखा, जैसी राख हटी लो आप दिखा, राख का रंग कुंभ का अंग, राख का रंग और कुंभ का अंग दोनों कैसे हैं, एक दोनों संग, सही पहचान नहीं पाती आंखें ये, अनल से जल जल करके काली रात सी कुंभ की काया बनी है। देखो घड़े आप मूक माटी में आप लोग देख रहे हो, कौन सा घड़ा बनाया चर्सी में, देखो दो प्रकार के घड़े बनते हैं, एक काले रंग का घड़ा बनता है और एक लाल रंग का घड़ा बनता है। यहाँ पर दक्षिण भारत में आचार्य से जब पूछा कि आपने मूक माटी में कौन सा घड़ा बनाया है, आपने काले रंग का क्यों बनाया, यहाँ तो ज्यादातर लाल रंग के दिखाई देते हैं, नहीं विशेष काले रंग का घड़ा जो होता है पक करके वो भी पकता है, उसकी विशेषता मानी जाती है, उसको पकाना, लाल रंग का तो सामान्य बात है, विशेष घड़ा है अगर देखते तो वो काले रंग का। प्राय कर आप लोग देखते थे अपने घरों में, उस समय जब घरों में घी दूध होता था है ना, तो उस काले रंग के मटके में ही उसका मंथन किया जाता, वो मजबूत होता था, दही को पीतल आदि के बर्तनों में नहीं, उसको भावन कहते थे, उसका किस घड़े में करते थे, उसे काले रंग के घड़े में, क्योंकि वो मजबूत होते थे। वही यहाँ पर वही घड़ा लेना है कि जैसे काली रात सी कुंभ की काया बनी, वो काला घड़ा है, यानी अग्नि संस्कार देने के बाद मिट्टी की दशा बिल्कुल काली जैसी हो गई, काली रात सी बनी, प्रकष्ट कष्ट का अनुभव हुआ, उत्कृष्ट अनिष्ट
का जाना हुआ। बहुत कष्ट सहन किया उसने, अग्नि परीक्षा दी है, अनुभव हुआ। लेकिन जैसे ही वो उत्कृष्ट अनिष्ट का जाना हुआ, जिसका अनिष्ट था, अनिष्टता थी जिसके कारण से उसका खतरा चल गया, और गाल काल के गाल में जाकर भी बाल बाल बच करके आया, कुंभ टूटा नहीं, साबुत निकल रहा है। काल के गाल में सोचिए कि वह इतनी अग्नि के बीच में रह करके भी अपने आप को टूटा नहीं, उसने साबुत बनाया है। ऐसी काल के गाल में जाकर भी बाल बाल बच करके आया कुंभ, कुंभ की काया को देखने से दुख पीड़ा का रव रव का परीक्षा फल को देखने से सुख कीड़ा का गौरव का और धारावाहिक तत्व को देखने से ना विस्मय का ना इसमें का कुंभकार ने अनुभव किया। उसको कोई ऐसा नहीं लगा, जब उसने कुंभ को हाथ में देखा तो उसको वास्तविक लगा, दुख की पीड़ा का रव रव का उसके वचनों के यानी अंदर की पीड़ा का परीक्षा का फल को देखने से, जब उसने देखा कि कुंभ तो बहुत अच्छे से कैसा हो गया, परिपक्व हो गया है, और परिपक्व हो गया है तो उसके अंदर जैसे सुख की कीड़ा का एक आनंद की एक नई अनुभूति, वाह इस सफलता प्राप्त हो गई ऐसा, और सुख की कीड़ा का गौरव का और धारावाहिक तत्व को देखने से, धारावाहिक ऐसा तत्व को देखने से ना विस्मय का ना इसमय का, विस्मय ना आश्चर्य, विस्मय का अर्थ होता है अहंकार कि मैंने देखो ऐसा बनाया, मैं सफल हो गया, नहीं उसे विस्मय भी नहीं है और इसमें भी मद अहंकार आदि भी नहीं है, है किसी प्रकार का इसमें का कुंभकार ने अनुभव किया, और इस प्रकार का अनुभव करने के बाद परंतु काल की तुला पर वस्तु को तोलने से जो परिणाम निकलता है वह भी पूर्णता झलक आया उसके मानस तल पर। काल की तुला यानी समय, इस दौरान इस प्रकार की काल की तुला अर्थात यहाँ पर वो काल नहीं मिला मरण वाला, यह काल अर्थात जो हमेशा गतिमान है चल रहा है, इतने घंटों की तुला पर वस्तु को तोलने से जो परिणाम निकलता है वही भी पूर्णतः झलक आया, सामने झलक करके आ गया, दिखाई दे रहा है किसके, उसके मानस तल पर। पावन व्यक्तित्व का भविष्य वह पावन ही रहेगा, जिसके परिणाम अच्छे हैं, कितनी भी बुराइयां सामने आ जाए, कितनी भी विसंगतियां सामने आ जाए, वो कभी भी अपने आप के अंदर की अपावनता नहीं बना सकता, वो हमेशा परिणामों में पावन ही बने रहेगा। परंतु पावन का अतीत इतिहास, अतीत यानी जो व्यतीत हो चुका ऐसा इतिहास है, इतिहास ही रहेगा, इतिहास ही रहेगा, कैसा, अपावन अपावन और अपावन। क्यों, देखो मिट्टी का घड़ा बन करके आया, आज वो पावन बन चुका, अब उसके अंदर कोई पानी का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उससे पहले मिट्टी की दशा क्या थी कि थोड़ा सा पानी पड़ता था, फूल जाती थी, गल जाती थी। पहले का इतिहास इसका क्या था, अपावन था, लेकिन आज उसने अपने आप को संस्कारित कर लिया,
अच्छे परीक्षा देकर के अपने को पवित्र बना लिया तो उसका पावन व्यक्तित्व का भविष्य हमेशा हुआ है, पावन ही रहेगा। परंतु पावन का अतीत इतिहास है, इतिहास वह उसका इतिहास ही रहेगा। कैसे रहेगा? अपावन, अपावन और अपावन, कोई पावन नहीं होगा। ऐसा वर्णन करते हुए इतिहास का घड़े का इतिहास भी सामने आ गया। आगे बढ़ते हैं। आज आवास से बाहर आया है सकुशल कुंभ, पक्कर के कहां गया? आवास से बाहर आ गया है। कृष्ण की कायासी यानी काली, अब ये मुखमाटी का कुंभ लाल मत समझ लेना, मुखमाटी का कुंभ कैसा है? काला है। आचार्य जी ने यहाँ काले कुंभ की कल्पना करी है। कृष्ण की काया से नीलमा फूट रही है, क्योंकि उसके अंदर एक चमक पकने के बाद जब मिट्टी पककर के बाहर आई तो नीलमा फूट रही है, नीली नीली एक आभासी फूट रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भीतरी दो समूह सब जल जल करके बाहर आ गए हो, सारे दोष जल करके, सारे के सारे दोष जला करके भी सारे दोष बाहर आ गए हो। अंदर की कालिमा, अंदर के राग देश पूरे के पूरे रंग के रूप में उसके बाहर के रूप धारण कर लिए हो। बाहर भीतरी दोष समूह सब जल जल कर बाहर आ गए हो। जीवन में पाप का प्रसरण नहीं है, पापी है प्यासे प्राणी को पानी पिलाता भी कब? ऐसे कि पापी कौन? जैसे माता अपनी प्यास बुझाने की बात तो करता है पर दूसरों की प्यास बुझाने का काम नहीं करता। तो जीवन में पाप का प्रसरण नहीं है, उसके अंदर कोई पाप का आश्रय नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, क्योंकि पापी वह प्यासे प्राणी को पानी पिलाता भी कौन? कभी किसी के पानी पिलाने के भाव नहीं करता, परोपकार के भाव नहीं करता। कुंभ के मुख पर प्रसन्नता है, मुक्तावस्था सी। कैसी प्रसन्नता है? जैसे मुक्ति के बाद जो आत्मा को प्रसन्नता का अनुभव होता है, वैसे ही उस माटी के अंदर भी, उस कुंभ के अंदर भी वह प्रसन्न दशा है कि मैं परिपक्व हो गया, मुक्त 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 आत्मा सी। हाँ, तैरता तैरता पार लिया हो, तैरते तैरता तैरता पा लिया हो, जैसे जिसने अपार भव सागर का पार, ऐसा लग रहा है उसको, ऐसा दिख रहा है जैसे तैरते जैसे संसार से पार हो जाते हैं, जो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वैसी प्रसन्नता यहाँ उसको हो रही है। अपार भव सागर का पार, जली हुई काया की ओर कुंभ का उपयोग कहाँ? संवेदना जो चल रहा है भीतर, संवेदन जो चल रहा है भीतर, भ्रमर वह अप्रसन्न कब मिलता? जैसे भौरा हमेशा कैसे रहता है? प्रसन्न रहता। संवेदन जो चल रहा है भौरा हुआ भ्रमर हुआ प्रसन्न कब मिलता? कभी अप्रसन्न, उसकी आवाज गुनगुनाती रहती है, हमेशा प्रसन्न रहता है। उसकी भी तो काया काली होती है, सदा सेवन जो चल रहा है सदा, हमेशा अमृत पराग कण को ही सेवन करता रहता है। भौरा कितना भी भूखा क्यों ना हो पर वो कभी गंदगी का सेवन नहीं करता। अगर मान लो गर्मी है, अगर फूल नहीं भी होगी तो भूखा तो रह सकता है पर गंदगी का सेवन नहीं कर सकता है।
करेगा तो सुगंधित अच्छी पराग करो की अमृत पान ही करता है। कैसी ज्ञानी जन को, यहाँ वही बात है कि संवेदन जो चल रहा है भीतर भ्रमर है, अप्रसन्न कब मिलता प्रश्नवाचक, उसकी भी तो काया काली होती है। ये बात ध्यान रखना, काया के काली होने से आदमी काला हो ऐसा नहीं है, उसकी भी काया काली होती है। सुधा सेवन जो चल रहा है सदा हमेशा अच्छा अमृत पान करने वाला हो, काया में रहने मात्र से काया की अनुभूति नहीं, माया में रहने मात्र से माया की प्रसूति नहीं, उनके प्रति लगाव चाव भी अनिवार्य है। अगर आपके पास लगाव और उसका चाव ज्यादा जुड़ना अगर नहीं है तो आप इनसे नहीं रह सकते। इसलिए काया में रहने मात्र से काया की अनुभूति नहीं, वे हमारे भगवंत होते हैं, वे भी काया में रहते हैं और उन्होंने काया में रहकर के काया की अनुभूति को कैसे कायातीत बना दिया, उससे अपने आप को ऊपर उठा लिया। यही विशेषता है। इसलिए काया में रह करके भी काया से ऊपर उठना ज्ञानी जनों का ही काम है। इसलिए माया में रहने मात्र से माया की प्रसूति नहीं, संसार की इस मोह माया में रहने से पुनः उस मोह माया के संग्रह में लग जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, प्रसूति या ना उसको जन्म देने वाली हो ऐसा भी नहीं। ज्ञानी जनों का यही सोच होता है। अज्ञानी जन तो हमेशा करते ही रहते हैं, दो के चार, चार के चौदह, चौदह के चालीस, ये किसका काम है, मोही जनों के काम है। पर ज्ञानी जन जो होते हैं वो कहते हैं भाई कब तक जुड़ोगे, कितना जुड़ोगे, जितना जितना जुड़ोगे उतनी उतनी और माया तुझे बांधती ही चली जाएगी, तुझे करना क्या है, बस इसके ऊपर उसके प्रति लगाव चाव भी अनिवार्य। अगर तुम्हारे अंदर लगाव उसके प्रति चाव इच्छा नहीं है तो कोई भी जोड़ नहीं सकता। एक बार ऐसे ही प्रसंग चला कि देखो एक पुण्यशाली व्यक्ति है, जैसे कि अपन उदाहरण ले लो धन्य कुमार चरित्र का, एक वही व्यक्तित्व है कि जो जहां जाता है वहां सब लोग कहते भाई ये पैसा तुम्हारा है, ये संपत्ति तुम्हारी है, तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो सारा राज्य तुम्हारा है, जहां जाते है। अब होता है कि धन्य कुमार एक नहीं सात भाई है, और सबसे छोटा धन्य कुमार है, उससे पहले छह को है बड़े हैं, और बड़े होने के कारण से जो भी आता है उनके पास उनको बड़ी ईर्ष्या होती छह भाइयों को, वे सारे के सारे सब कहते जी बताओ कि धन्य कुमार के विवाह का बेटी मेरी बेटी की शादी मुझे इससे करना है। तो भी कहते भैया छह तो पहले बैठे उनको तो करना है पहले, उनकी तो हम नहीं कहते पहले, तुम तो इसकी बात करो, क्यों, क्योंकि पुण्य है उसका, उसके अंदर ऐसा है, जहां जाता है वो गया। आखिर ईर्ष्या वर्ण उसमें लिखा है कई जगह, आप धन्य कुमार चरित्र पढ़ना, उसमें लिखा है यहाँ कर कि उनके भाइयों ने इतनी गुस्सा आई तो एक दिन धन्य कुमार को जल की आके बहाने बावड़ी में ले जाते हैं धन्य कुमार को, और उन्होंने सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसरी, एक काम करते इसके लिए उसी बावड़ी में अपन सब मिल करके आज इसको काम तमाम कर देंगे। लेकिन पुण्यशाली व्यक्ति है ऐसे वैसे मरने वाला नहीं है,
और वो भी समझ गया कि मेरे भाई मुझसे ईर्षा करते हैं, ईर्षा करते हैं, और मुझसे ईर्षा करते हैं, इसलिए अब वो चला गया, वहां गया। उन भाइयों ने उसको बावड़ी में जैसे ही गया और सम्मेलन ने इशारा किया और उसको दबाकर उसको नीचे कर दिया, वो उनसे छूट करके कहते हो उस बावड़ी में गुप्त रास्ता था और उसका सहारा लेके अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बोले कि जी अंदर रहना चाहिए, पानी में अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकले इसको फिर से दबा दो, यानी इस पानी में इसको मारना है। अब उसने तो एक दो बार निकला, जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने सोचा ये तो बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है, जो कि भाई आज मुझे मारने वाले। तभी उसी को वहां से वह रास्ता दिखा और उस रास्ते से उसने गया और बावड़ी के बाहर निकल जाता है, जंगल में निकलता है और वहां से सोचता है कि अब जो मेरे भाई मेरे दुश्मन हैं, ऐसे घर में क्यों जाऊं, और छोड़छाड़ करके वो बाहर निकल जाता है। अब जहां धन्य कुमार जा रहा है, देखिए आप उसके चरित्र को पढ़ना कि मेरे भाई जब मेरे लिए इतना ये कर सकते हैं, उनका पूर्व भौका पढ़ा कि ये सारा का सारा क्यों हुआ, इसको जब अपन सुनते हैं और उसके समझते हैं तो पता चलता कर्म सिद्धांत जीवन में व्यक्ति को वास्तविक जो संघर्षमय जीवन होता है कि जो अपने वाले भी मान लो अपने वैरी बन जाए, अपने दुश्मन बन जाए, ऐसे व्यक्तियों को उनसे कहते हैं भैया घबराओ मत, तुमसे पहले ऐसे बहुत सारे जीवों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए अच्छे से एक बार थोड़ा सा मन लगा करके धन्य कुमार चरित्र पढ़ना, एक बार तुम्हें अपना कर्म सिद्धांत समझने, अरे तुम्हारे पास अभी इतना समय नहीं है कि तुम्हें कोई मार रहा हो, तुम्हें तो कोई थारे से थोड़ा सा परेशान संपत्ति मत्ति कारण झगड़ा घड़ा हो रहा हो, उसके सामने तो यहाँ कि उनके अपने सगे भाई ही उसको मारने के उतारू है, पर उसका पुण्य कर्म का उदय है कि मारने वाले तैयार है, पर उसका आयु कर्म इतना पुण्य है कि उसकी कोई किसी का नहीं चलता। आखिरकार उल्टा ये हुआ, मारने वाले ही मुसीबत में आ गए पर मारने वाला कभी मुसीबत में नहीं आया। उस पे लिखा है ये दशा हुई कि जैसे ही धन्य कुमार घर छोड़ करके चला जाता है और घर की दशा ये है, उसकी अकेले एक पुण्यशाली जीव के घर पर रहने से सारी रौनक को सब कुछ हो रहा था। धन्य कुमार चला गया, घर पे ये दशा हो गई कि दिन के खाने के लाले पड़ गए, इतना पाप कर्म का उदय आया। वे सारे के सारे भाई अब इधर एक दूसरे के यहां मजदूर करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, कहां नगर सेठ, इतना पुण्य कर्म का उदय कि एक समय नगर का सबसे बड़ा आदमी है, और ये हुआ कि पुण्यशाली जीव के जाने से उन्होंने ऐसा किया, अब ईर्षा वसात किया तत्काल, अब सोच रहे हैं कि देखो मैंने ऐसा कर दिया, लोगों ने धिक्कारा, घर पे आए बोले कि क्या हुआ, कहाँ है धन्य कुमार, सब कुछ किया समाज में और उन्होंने सब लोगों ने भाइयों ने लगता है उसको मार दिया, धिक्कार के पात्र हुए, बदनामी हुई, लोगों ने उन्हें ऐसा जगह जगह जाकर के भटकते भटकते फिर रहे हैं और सब उनके चित्रण मिशन। वही बात यहाँ आज अपन कहें कि काया में रहने मात्र से नहीं काया की अनुभूति नहीं है, माया में रहने मात्र से माया की प्रसूति या मोह माया में रहे कोई व्यक्ति तो उसमें जुड़े ऐसा कोई जरूरी, कभी कभार इस मोह माया में रहकर के बहुत सारे जीव जहां देखो वहां से लोग
उसको संपत्ति और उसमें फिर भी वो कहता है नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। दो चीजें पढ़ना, एक मैं कहता हूं धन कुमार चरित्र प्रथमान योग का, और एक बारांग चरित्र प्रत्येक महिलाओं को सुनना चाहिए पुरुष को भी। एक वारांग राजकुमार की कथा है, वारांग चरित्र और धन कुमार चरित्र, ये दोनों की। एक व्यक्ति वारांग चरित्र जो है उसमें लिखा है कि एक राजकुमार होकर के एक शील व्रत का परिणाम कि जहां जाते उस बालक के लिए सब कुछ कहते, पर उसने मुनिराज के सामने लिखा था कि मैं अपनी पत्नी की स्वीकृति, जो पत्नी है उसकी स्वीकृति के बिना किसी पर नारी या उसके यहाँ किसी को, सारी नारी को उसने शील व्रत का पालन किया, किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे। जब राजकुमार का हरण हो जाता है, जंगल में ले जाते हैं और तरह तरह से उसके सामने विसंगतियां आती हैं। एक राजा महाराजा कहते हैं कि आपको मेरी बेटी से शादी करना होगा, वो कहता नहीं मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी है। हाँ अगर मेरी पत्नी की सुरक्षिति अगर मिलेगी, देखिए आप पहले भी ऐसी प्रथाएं थी, ऐसा नहीं कि राजा के मनचाहे मन से, आज जो कहते हैं ना इस प्रकार से नहीं होता है कि जब तक पहले से आपका वो नहीं होगा तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं। पहले होती थी बहु विवाह प्रथा होती थी, लेकिन पहले उनको विश्वास में लिया जाता था, एक दूसरी रानी को उनको विश्वास दिलाई जाता था कि ऐसा नहीं मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, अगर आप चाहो अगर आप कहोगे तो मैं ऐसा करूंगा। पहली पत्नी जब ऐसा करती थी तब इस प्रकार का भाव होता था। तो आज यहाँ पर बहुत अच्छा चिंतन की अवैसे अब वट का वो घड़ा कुंभ बन करके तैयार होकर के बाहर आ गया है और काले रंग का पक करके बिल्कुल मुखमाटी का घम कुंभ कैसा है, काले रंग वाला कुंभ है, लाल रंग वाला कुंभ नहीं है, और ऐसा कुंभ बन करके सामने आ गया है। अब आगे की बात अपन समझेंगे बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। और आज धनतेरस है और कल क्या है, चतुर्दशी। चतुर्दशी है माने आज उसके हिसाब से अपनी धनतेरस आज है जी, और लोगों की धनतेरस कल थी, हो गई। तो आज धनतेरस और कल चतुर्दशी, कल तो सभी जितने भी, कल चतुर्मास का वार्षिक उत्सव प्रतिक्रमण होता है हम लोगों का, और चतुर्मास का निष्ठापन का उपवास भी होता है। तो जितने भी मुनिराज हैं सब जगह है, कल के दिन चतुर्दशी अनिवार्य उपवास माने जाते हैं। तो उपवास तो रहेगा ही, साथ साथ बड़ा प्रतिक्रमण भी होगा। और परसों वीर निर्माण दिवस, परसों अपना कौन सा दिवस है, वीर निर्माण दिवस, और इस बार का वीर निर्माण दिवस 2550वां है, विशेष है, और विशेष को विशेष रूप से ही मनाना चाहिए, मनाया जाना चाहिए सागर वालों के लिए। अगर हम रहकर के नहीं मना पाए तो क्या होगा, आपको अपने भगवान महावीर स्वामी के ऊपर अगर भरोसा है शासन काल में हो तो गर्व होना चाहिए कि हम भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के 2550वां निर्वाण महोत्सव को विशेष निर्वाण लाडुओं के साथ, विशेष भक्ति पूजन के साथ यहाँ पर ठीक 13 तारीख की प्रातः काल हम सब मनाएंगे। विशेष 2550 दीपों की आरती के साथ लाड़ू चढ़ाते हुए हम सब ऐसा निर्वाण दिवस मनाएंगे। प्रातः काल का समय हम सब लोग भक्ति भाव के साथ समय का पूरा सदुपयोग करेंगे। ठीक 6:30-7 बजे से अपना ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा, और करते हुए बहुत सारे अभी जो योजना बनाई थी वो योजना को पूरा करो, ऐसा मत करो कलम गए,
मैंने ये कविता बताऊं, आप लोग सोचते हो कि मैंने ले लिया हमारा काम हो गया, नहीं, ऐसा कहो भगवान महावीर स्वामी तुम्हारे अकेले बेटे के नहीं है क्या, सबके हैं, उससे कहो कि बेटा आपके भी है तो तुम अपना पुण्य तुम अपने साथ कमाओ, इनका पुण्य इनके साथ कमाओ, सब मिलकर के ऐसा ऐसे समय पर अपने बच्चों को भी कहो कि नहीं तुम भी एक दीप जलाओ, तुम भी एक दीपन दीपों से आरती उतारो और सब मिलकर के सामूहिक रूप से ऐसे महावीर भगवान की इस दीपोत्सव को या निर्वाण महोत्सव को हम सब मनाएंगे। इसी भावना से बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि सजित सागर जी महाराज की जय। जवानी के ज्ञान ते सुजलो पालो नमो सदा नित हो हे जिनवाणी भारती मा तो जपो दिले ज्योति रो शरणांग है सो पावे सुख चे भीम जो अरिहंत को गुरु सेवा निरंग दया धर्म पालो सदा यही मंच रापन स्वामी देवा प्रभु को।